ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਅਧਿਆਏ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤਯ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹਾਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਮੁਸਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "हे ब्राह्मण, ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਹੇ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਾਮੇ" ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਧਰਮ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ हे नारद जी इस तरह शिवजी ने मेरे बहुत बुराई की उस के बाद मेरे पुत्रों वाले बहुत गुस्से भरी नजर नाल देखदे हुए कहन लगे मरीची आदि तुसी लोग अजीही अतिर अति कामी क्यों हो गए तुसी ब्रह्मा दे पुत्र हो अते तुसी वेदों दा अध्ययन कीता है फिर भी इस तरह मोहित होए इसलिए लिए कई-कई बार तिरस्कार है हे नारद भगवान शिव दे मुंह निकले हुए इन शब्दों को सुनके मैं अते मेरे पुत्र बहुत शर्मिंदा हुए उस वेले सब नु अजीहा दुख होया कि किसी दे मुंह विचों कोई भी शब्द नहीं निकलिया। उस ते बाद मैं इंद्रियां अते वीर्य नु सिर ते चढ़ा के संध्या दे प्रति आसक्ति बुरे भाग जो मेरे मन विच पैदा होए सन उस त्याग कर देता भगवान सदाशिव दे डरना मैं पाप कर्म करन तो बच गया अते पुत्र भी इस शर्मनाक कर्म वल्लो बेत्याने हो गए उस वेले डर दे कारण मेरे शरीर दे जो पसीना टपकिया उस तो चोट चोगनिया प्रकट होइयां जो संसार तो मुफीर के तपस्या करण दे अलावा और कोई काम नहीं कर दिया हन उस तो बाद 86 पुत्र होर बनाए दकष्ट राजापति तो शरीर तो पसीना निकल के धरती ते डिगया उस विचों एक स्त्री बनी अत्री मरीची पुल भरेगू अते तुहाडे भाव नारद के शरीर तो पसीना नहीं निकलिया वशिष्ठ विशरवा अंगरिस अते, कृतु के शरीर विचों

अते तेरी उस दशा हालत नो देख के मेरा मन शीतल हो जावे हे नारद इस राप नो सुन के कामदेव बो डर गए खड़ा खड़ा कम्बन लगा अते इस तरह कहन लगा हे पिता तुसी संसार नो पैदा करने वाले अते न्या अते अस्या दी स्थापना करने वाले हो मैं तुहाडे कोई अपराध नहीं किया है फिर भी तुसी मैनू ये श्राप क्यों दे दिता मैं तीया तो की सिर्फ प्रीख्या ही लेमत ले मेरे लिए ले नवी आज्ञा दिखती है परपा करके मैन अजिहा वरदान भी देवो नाल मैं शिव पसम अगम तो बाद फिर भी होंद वि आ सका इस तरह कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दौ इन्नी कथा सुन के ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद कामदेव की बेनती सुन के मैं बहुत खुशी हुई तद मैं कहा हे कामदेव मैं तेरे संबंध जो कुछ कहा है उसका निश्चित रूप न होगा ही पर हूँ मैं तेनों ये वरदान दिता हाँ कि तेनों पसमकर कुछ दिन बाद जब शिवजी अपना विह करे उस समय तेनों यही शरीर फिर प्राप्त हो जाएगा शिव जी तेरे मददगार हो उठन गए इस गल सुन के सभा फिर तो नवा आनंद भर गया इति संपूर्ण शिवपुराण दूजे खंडा दूजा अध्याय समाप्त